हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश भारती एंड यू आर वाचिंग अविनाश भारती इन्फो चैनल। देयर इज लॉट्स ऑफ वीडियो अबाउट इन्फोपीडिया, सिनेमेटिक, गेमिंग, व्लॉग, यूट्यूब, टेक्नोलॉजी एंड मच मोर। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियोज। मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएँ। लेट्स गो फॉर वीडियो, चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी गेम, एडवेंचर गेम, जो कि एक पबजी की तरह ही पॉपुलर है और आपको इसमें खेलकर वैसा ही मज़ा आएगा जैसा कि आपको पबजी में आता है। तो इसका नाम है दुरंदो वाइल्ड लैंड्स। इसको आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, मतलब फर्स्ट आप जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें पहले तो ये आपको ऐप देगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाटा जो है वो इसके बैकग्राउंड डाटा वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी इसमें डाउनलोड डाटा लगभग 200 से 250 MB तक का डाटा है। और ये कोई पबजी की तरह कोई ज़्यादा हैवी गेम नहीं है, ये उससे लो ही गेम है, मगर क्वालिटी इसकी सुपर्ब है। आप देख सकते हैं इस क्वालिटी इसकी बिल्कुल भी लो नहीं होगी, उसी के जैसी ही आपको मिलेगी इसकी क्वालिटी। और इसका मात्र ऐप जो है 300-400 MB में कम्प्लीट हो जाता है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरता और रैम भी कम यूज़ करता है। तो आप देख सकते हैं इसके विजुअल्स कितने बढ़िया विजुअल्स हैं इसके। और शुरू शुरू में जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कोरियन में देगा, क्योंकि ये कोरियन में डेवलप हुई है, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कोरियन में देगा। इसलिए मत समझिएगा कि ये इंग्लिश में नहीं खेली जा सकती, ये बाद में जो इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है। गेम स्टार्ट होने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन बताते रहेगा कि कैसे कैसे आपको फ्लो करना है। एक फ्रेशर भी इसमें खेल सकता है, दुरंदो वाइल्ड लाइफ। तो इसमें क्या है कि एक एडवेंचर आइलैंड की गेम है ये, जिसमें कि आपको लेवल कंप्लीट करने पड़ते हैं, स्केप होना पड़ता है लैंड जो भी आइलैंड है और वहाँ के जो क्रीचर्स हैं उनसे बचकर, उनसे जैसे कि आपको मिशन मिलते हैं तो मिशन क्लियर करने पड़ते हैं, उसी के तरीके का है ये। तो आप एक फ्रेशर भी इसको खेल सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो जो है इसमें लेवल बाई लेवल प्रोवाइड कर सकता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे भी लगा था कि ये गेम टफ होगी। तो कहने का मतलब है कि टफ तो है, मगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो आप इसको आसानी से खेल सकते हैं। और गेम बहुत अच्छी है दोस्तों, तो क्योंकि मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया तो आप भी इसका एक्सपीरियंस लीजिए, खेलिए और देखिए और बताएं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो बना करूँ। और कमेंट में बताएँ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, गेम ये कैसी लगी। और इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी गेम लेते आऊँगा, तो मेरे चैनल पे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, तो वीडियो पूरा देखें। Go ahead and clean up a bit while you're at it.
Brachiosaurus by the lake yet? That's pretty standard wildlife here. So, how you doing? You dizzy or anything? The warp can do that to you. Of course, sometimes it's just shock. Listen. Focus on... Okay, I got you this far. It's time for you to help yourself. Lucky for you, you're easy to make. Start with a blade. There should be a bunch of pebbles back there, right? So, what are you waiting for? Better? So how about... Oh, there it is. See if you can smile after all that. Anyway, Kay is with the others on the northeast shore.
hear the beat. Like a new home. Just remember, you're a pioneer now, and true pioneers never give up. Not if they want to stay alive. We're leaving this island as soon as the raft is finished. You've proven your... We're short on logs and reed stocks. There should be plenty by that lake over there.
You'll need something to cut those trees down. Remember how you crafted that stone blade? Make... Thank you.
bad for your first day. But stay focused. Things aren't going to get much easier on the next island. Aye, aye, Captain.